सर पहला मेरे दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूके वीडियो ऑर्डर। दोस्तों आज हम आ चुके हैं उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के प्राचीन मंदिर बागनाथ के प्रांगण में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बागेश्वर तथा बागनाथ के इतिहास के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं मंदिर के सामने खड़े हैं, भक्तों की भीड़ का तांता लगा हुआ है और पूजा अर्चना चल रही है यहाँ पर विधि विधान से, क्योंकि माघ का महीना है, बहुत पवित्र माह माना जाता है हमारे कुमाऊँ की रिवाज के अनुसार। तो यहाँ पर देख सकते हैं भक्त लोग आकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो प्राचीन कथाओं के अनुसार तथा पुराणों के अनुसार ये माना जाता है कि यहाँ पर शिव शंकर भगवान जी ने बाघ का रूप धारण किया था, इसलिए इस स्थान का नाम बागेश्वर तथा बागेश्वर पड़ गया, जो कालांतर में बदलकर बागेश्वर हो गया। और यह भी माना जाता है कि शिव पुराण के मानस खंड के अनुसार इस नगर को शिव जी के गण चंडीश ने शिव जी की इच्छा के अनुसार बसाया था। और ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार 1602 में राजा लक्ष्मीचंद ने बागनाथ के वर्तमान मंदिर तथा मंदिर समूहों का पुनर्निर्माण कर इसके वर्तमान रूप को अक्षुण रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये देखिए कलाकृति मंदिर में कैसी बनी है, ये सब 1600 के टाइम की बनी हुई है। मंदिर का आर्किटेक्चर आप देखिए, ये भी 1600 के टाइम का है। तो इस प्रकार प्रांगण में आप देख सकते हैं भक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो ये मुख्य द्वार की तरफ हम आप बढ़ रहे हैं, मुख्य द्वार यहाँ से एंट्री होती है अंदर की तरफ बागनाथ मंदिर में। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना हो रही है। और साल भर यहाँ भीड़ तो रहती है, लेकिन माघ और श्रावण के महीने में काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ पर, और भक्त दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। उत्तराखंड के सभी जगह से यहाँ पर भक्त आते हैं। एक और मंदिर श्रृंखला आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, माना जाता है यहाँ पर मार्कंडेय ऋषि ने भी तपस्या की थी बागेश्वर में। तो इस प्रकार उत्तरायणी पर्व का विशेष महत्व है यहाँ पर, जब ज़्यादातर लोग यहाँ पर आते हैं, उत्तरायणी का मेला लगा हुआ है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। 18वीं सदी में बागेश्वर में 8 से 10 घरों की एक छोटी सी बस्ती हुआ करती थी, और माना जा मतलब इतिहासकार बताते हैं कि 1660 के आसपास 200 से 300 दुकानों और घरों वाला एक कस्बा ये बन चुका था। उस टाइम पे सरयू पार दुग बाजार था तथा डांग बंगले का भी विवरण मिलता है। और प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व 1904 में अंग्रेज शासकों द्वारा टनकपुर से बागेश्वर रेलवे लाइन का जो उस टाइम पे सर्वे हुआ था, उसके साक्ष्य आज भी मतलब बिखरे हुए हैं, जो सरकार जिन पे अभी कुछ सुध नहीं ले रही है। और माना जाता है कि 1921 के उत्तरायणी मेले के अवसर पर कुमाऊं के श्री बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पांडे, श्यामलाल शाह, विक्टर मोहन जोशी और रामलाल शाह, मोहन सिंह मेहता, ईश्वरी लाल शाह आदि के नेतृत्व में सैकड़ों आंदोलनकारियों ने कुली बेगार प्रथा के रजिस्टर यहां पर बहा दिए थे। जैसा कि आप मेरे सामने देख पा रहे हैं दीवार पर, ये कुली बेगार प्रथा पर ही एक कलाकृति बनाई गई है, जो उस समय को याद करने के लिए कि कुली बेगार प्रथा को कैसे समाप्त किया गया था यहाँ पर। और आप देख पा रहे हैं कि कैसे नगर में दुकानें सजी हुई है उत्तरायणी के टाइम पे। तो प्राचीन समय पर यहाँ पर व्यापार का प्रमुख केंद्र था हमारे कुमाऊं का, यहाँ पर तिब्बत से व्यापारी आते थे। बागेश्वर उस समय में कुमाऊं की प्रमुख सुहागा मंडी हुआ करती थी। सुहागा एक प्रकार का स्वर्णाभूषण निर्माण में मतलब यूज होता है, एक सुहागा एक तत्व होता है जो उसका क्रय विक्रय का यहाँ पर बहुत कार्य होता था। इसके अलावा मुंशियारी तथा नीलम के शौक आदिवासी जो थे वो भी अपने कंबल तथा पंखियाँ बेचने आते थे। जनवरी माह में लगने वाले उत्तरायणी मेले में चटाइयाँ, तिब्बती ऊन, सुहागा, खाल और दक्षिण से जो व्यापारी आते थे वो बर्तन, कपड़े ये सब बेचा करते थे। लेकिन कालांतर में कुमाऊँ में आवागमन अच्छा हो जाने के कारण, सड़क मार्ग बन जाने के कारण बागेश्वर मंडी का धीरे धीरे ह्रास होता गया। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सांस्कृतिक नगरी होने के कारण यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम हमेशा आयोजित होते हैं। उत्तरायणी के अवसर पर देखिए आपके सामने कुछ सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ और झलकियाँ प्रस्तुत हो रही हैं। तो बहुत ही मतलब यहाँ की संस्कृति के विविध रूप और रंग हैं बागेश्वर की। और ये हमारी डॉक्यूमेंट्री थी जिसमें हम अपने व्यूवर्स को बताना चाहते थे हमारा क्या इतिहास है, हमारी क्या संस्कृति है, प्राचीन काल में क्या यहाँ का इतिहास था। तो दोस्तों ये जानकारी आपको शायद पसंद आई होंगी, तो
इसके लिए धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने के लिए। तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप कार्यक्रमों का आनंद लीजिए जो आपके सामने हो रहे हैं। धन्यवाद।